हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओडिशा स्कूल क्लासेस। तो आज क्लास रे आमे तुम्हारे अनुशीलनी टू बी रा केते नंबर करिबा तुम्हें देखि पारतुबा स्क्रीन रे, जोटा कि आमे 16 नंबर करिबा। ठीक अछि, आ प्रीवियस क्लास रे तुम्हारे 15 नंबर जाए एटा सरीछि, तो आज आम 16 नंबर करिबा। तो देख 16 नंबर क्वेश्चन कौन दे, 16 नंबर क्वेश्चन रे तुम्हारे आई डबल आई दुटा अच्छे। तो आम प्रथम आई करिबा, आ तुमको सूचन भी दे देछि कौन अंकन करिबा सेटा भी तुमको दे देछि, जोटा तुम पई आहुरी इजी होगा। तेल देख प्रथम आम चित्र करिबा, कौन देछि ना क्षुद्र चापर अंतर्लिखित कोण एक स्थूल कोण। तेल आम पढ़ी गोटे जदि आम वृत्त करिबा सेथिरे गोटे क्षुद्र चाप थाए आ गोटे बृहत चाप थाए, पढ़ी कि नहीं। देख मु मन कर ये गोटे वृत्त कली, आग तुमको बुझे दौर देख टे चाप क्षुद्र चाप बृहत चाप, मु मन कर ये गोटे वृत्त कली, तापर इठ गोटे मुझ वृत्तकला कली जोटा कि ये जो वृत्तकलार चापटा हूँ कौटा आमर वृत्तकलार चापटा हूँ यहाँ। तेल यहीटा देख यहीटा हूँ आमर क्षुद्र चाप, जदि आम कह आर बृहत चाप किए ये वृत्तर ये आर बृहत चाप किए, तेल बृहत चाप हूँ यहाँ, यहाँ हूँ आमर बृहत चाप, बुझीपार्च जोटा मुझे तुमको ब्लू देखा से बृहत चाप, जोटा ग्रीन रे देखली से क्षुद्र चाप, बुझिपारल क्षुद्र चाप कौन बृहत चाप कौन। ताले एबे देख आमको जहाँ क्वेश्चन दे सही अनुसार आम चित्र करिबा आ बुझा दे क्षुद्र चापर अंतर्लिखित कोण एक स्थूल कोण। ताले प्रथमे मु एठी गोटे वृत्त करुची, ठीक अच्छे प्रथमे मु एठी गोटे वृत्त कली, वृत्तटे एठी मु कली, तापरे देछि आउ कोन देछि किसी तो देनी केवल दे क्षुद्र चाप गोटे क्षुद्र चापर अंतर्लिखित एक स्थूल कोण दे। आम जेहतु वृत्त कले वृत्तर केन्द्रबिंदु करवा, वृत्तर केन्द्रबिंदुर नाम मुझे देदेली ओ, ठीक अच्छे। तेल ये प्रथम आम लिखा, तापर अंकन जहाँ देटा भी आम कर प्रथम लिखिद दत्त, तो यहाँ मुझे आई कर ठीक अच्छे आई रत्त लिखुची, दत्तर कौन लिखा लिखा वृत्तर केन्द्र ओ, वृत्तर केन्द्रबिंदु ओ, आउ दे क्षुद्र चाप, जेहेतु क्षुद्र चापर अंतर्लिखित कोण माने आमको गोटे क्षुद्र चाप करिया को पड़ो। ताहले देख क्षुद्र चाप मुझे गोटे करुची, तो क्षुद्र चापर अंतर्लिखित कोण भी आमको करा पड़ो। ताहले प्रथमे मुझे गोटे कोण करुची, देख ये मुझे गोटे कोण कली, ना दे दूची एटाक दे पी बी सूचन दे देछि ए पी बी एक क्षुद्र चाप, तो देख ए पी बी तापरे कौन दे ना ए डी व्यास अंकन कर, एटा जो मुझे कली एटा को डी दे दूची आउ एठी मु व्यासटा एठी अंकन कर, तो यहाँ मुझे अंकन कली एडी व्यास, ठीक अच्छे। तापर आउ कौन दे क्यू बी एक बृहत चाप, तेल यहीटा मुझे कली ए पी बी जोटा देख पार्थ ये तुम क्षुद्र चाप ए पी बी यहाँ हूँ क्षुद्र चाप, तेज़ बृहत चाप कौटा हम एपटा हम एपटा हम कौटा देख पार्छ कि नहीं, योटाक आम बृहत चाप हम देख कलर चेंज कर देखिए योटाक ए क्यू बी ये आम क्यू ना दबा जोटा मुझे तुमको लाइट ब्लू रे देखा से तुम बृहत चाप हम ए क्यू बी, ठीक अच्छे। तो ये मुझे क्यू दे दूसरी ये गोटे बिंदु आ गोटे बिंदु मुझे जोटा कि आम दबा ना दबा क्यू, ए क्यू बी बृहत चाप हो गला, आ डी व्यास भी आम अंकन करदे। तेल एम दत्त लिखिदेचे आउ लिखा कौन ना जेहेतु क्षुद्र चाप दे आम लिखा ए पी बी, ए पी बी क्षुद्र चापर अंतर्लिखित कोण कि ए पी बी कोण, क्षुद्र चापर अंतर्लिखित कोण, अंतर्लिखित कोण ए पी बी कोण, तो ए पी बी गोटे स्थूल कोण बोली आमको प्रमाण करा पड़ा, किंतु दत्तरे आम ये लिखिदे। तापर ए क्यू बी एटा तो डबल आई क्वेश्चन टा बृहत चाप जो आम डबल आई रे लिखा, तेल आर आम दत्त सरला
ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଲେଖିବା ଆମେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ। ତ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ଲେଖିବା ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ ଏକ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ମାନେ ଏ ପି ବି ଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହବ। ତ ଆମେ ଲେଖିବା ଏ ପି ବି, ଏ ପି ବି ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହବ, ଏଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପି ବି ଏକ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ଏକ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ସରିଲା, ଏବେ ଯାହା ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିଛେ ସେଇଟାକୁ ବି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଅଙ୍କନ, ତ ଅଙ୍କନ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଏଡି ବ୍ୟାସ ଅଙ୍କନ କଲେ, ଏଡି ବ୍ୟାସ ଅଙ୍କନ କରାଗଲା। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଅଙ୍କନ କରିଛେ, ପିଡି ଅଙ୍କନ କରିଛେ, ପିଡି ବି ଯୋଡ଼ିଛେ, ତ ପିଡି ଅଙ୍କନ କରାଗଲା। ତ ଏତିକି ହିଁ ଅଙ୍କନ କରିଛେ, ସରିଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖ ପ୍ରମାଣ ଆମେ କେମିତି କରୁଛେ, ପ୍ରମାଣ ଦେଖ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଏଡି ହେଉଛି ବ୍ୟାସ, ଏଡି ସମାନ ବ୍ୟାସ, ଯେହେତୁ ଏଡି ଆମର ବ୍ୟାସ ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ବ୍ୟାସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ବ୍ୟାସ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବ୍ୟାସ ହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ପି ଡି କୋଣଟା ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତସ୍ଥ କୋଣ। ମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଏଇଟା ମୁଁ ବ୍ୟାସ କଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମେ କୋଣ କରିଥାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତସ୍ଥ କୋଣ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଆମର କେତେ ହେଇଥାଏ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର କୋଣଟା, ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣଟା ଆମର କ'ଣ ସବୁବେଳେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥାଏ କି ନାହିଁ? ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଡି ହେଉଛି ବ୍ୟାସ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଆମର କୋଣ ଏ ପି ଡି ସମାନ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତସ୍ଥ କୋଣ, ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତସ୍ଥ କୋଣ। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଆମର ଏ ପି ଡି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ହେଲା, ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦାଟ୍ ଏ ପି ଡି କୋଣ ସମାନ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏ ପି ଡି କୋଣ ସମାନ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏବେ ମୋତେ କୁହ, ଆମେ ଯଦି ଏ ପି ବି କୋଣକୁ ନେବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ଟା ଏ ପି ବି କୋଣ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଦେଇଛି ଏ ପି ବିଟା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ କୋଣଟାକୁ ନେଉଛି ଏ ପି ବି କୋଣ ସମାନ, ଏ ପି ବି କୋଣ ସମାନ। ମୋତେ କୁହ କେଉଁ କୋଣ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ ଆମର ଏ ପି ବି କୋଣ ହେବ, କେଉଁ କୋଣ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ ଆମର ଏ ପି ବି କୋଣ ହବ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଟୋଟାଲ୍ଟା ହେଉଛି ଏ ପି ବି କୋଣ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ରୀନ୍ରେ ଦେଖାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ଟା କେଉଁ କୋଣ ମିଶିଲେ ହବ, ଆମର ଏଇ କୋଣଟା ମିଶିଲେ ହବ ଆଉ ଏଇ କୋଣଟା ମିଶିଲେ ହବ, ଏଇ କୋଣ ଆଉ ଏଇ କୋଣ ମିଶିଲେ ହବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏ ପି ବି କୋଣ ସମାନ ଆମର ଏ ପି ଡି କୋଣ, ଏ ପି ଡି କୋଣ ମିଶାଣ ଆଉ କେଉଁ କୋଣ, ଡି ପି ବି କୋଣ, ଡି ପି ବି କୋଣ, ଡି ପି ବି କୋଣ, ଏଇ ଦୁଇଟା କୋଣ ମିଶିଲେ ହିଁ ଆମର ଏପିଡି ହବ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ଏପିଡିଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏପିଡିଟା ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏପିଡିଟା ଆମର ଏଠି 90 ଡିଗ୍ରୀ ବାହାରି ଯାଇଛି, ବାହାରି ଯାଇଛି କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଆମର ଏପିଡି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏପି ବି ତ ଯାହା ହେଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହବ, କାହିଁକି ନା ଡିପି ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି। ଯଦି କେବଳ ଏଇ ଏପିଡିଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା, ତ ଏଠି ବି ଲେଖିଦିଅ ଏ ପି ବି କୋଣ ସମାନ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଡି ପି ବି କୋଣ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କୋଣ ଅଲରେଡି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲାଣି, ପୁଣି ଡି ପି ବି କୋଣ ମିଶିବ, ତାହେଲେ ଏ ପି ବି ଯାହା ହେଲେ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦାଟ୍ ଏ ପି ଡି କୋଣ ସମାନ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ, ହୋଇଥିବାରୁ ଆମର ଏ ପି ବି କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହବ, ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଅର୍ଥାତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପି ବି କୋଣ ଏକ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ଏକ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆମର ଆଇ ସରିଲା, ତ ତାପରେ ଡବଲ୍ ଆଇ କରିବା। ଡବଲ୍ ଆଇ ମୁଁ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ତମର ଗୋଟେ ରହିବ, ଚିତ୍ର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉଥରେ। ଆଇ ଡବଲ୍ ଆଇର ଚିତ୍ର ପୁରା ସେମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଉଥରେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏପଟେ ମୁଁ ଡବଲ୍ ଆଇ କରୁଛି, ତ ଦତ୍ତ ଲେଖିଦେବା,
दत्त कौन लिखिबा? एठी आमे जहाँ दत्त लिखिछे से ही लिखिबा। वृत्तर केन्द्र बिंदु ओ एठी केवल क्षुद्र चापर अंतर्लिखित कोण लिखिछे सेठी बृहत चापर अंतर्लिखित कोण लिखिबा। ठीक अछि, त वृत्तर केन्द्र बिंदु ओ वृत्तर केन्द्र बिंदु ओ तापर कौन लिखिबा? बृहत चाप किए आमर ए क्यू बी, ए क्यू बी कि नहीं बृहत चाप, तो ए क्यू बी रो ए क्यू बी चाप मु कोण चिन्ह दे देली भूल रे, तो सेटा होची चाप चिन्ह दिया हबो, तो ए क्यू बी बृहत चाप रो अंतर्लिखित कोण के हबो, अंतर्लिखित कोण के हबो, अंतर्लिखित कोण ए क्यू बी हम इटे आम कर अंतर्लिखित कोण टा ए क्यू बी, ए क्यू बी। ठीक अच्छे, तो सेटा लिखिबा ए क्यू बी। तापरे कौन लिखिबा आमर दत्त लिखि सारे प्रामाण्य लिखिदबा, प्रामाण्य जहाँ हमको देछि क्वेश्चन रे सेठी देइथिला 90 डिग्री रो अधिक हबो से कोणटा, किंतु एठी हमको कोन देइछि जे बृहत चापर अंतर्लिखित कोण एक सूक्ष्म कोण हबो, तले आमे एठी कोन लिखिबा ना ए क्यू बी कोण आमर 90 डिग्री रो छोट हबो। ठीक अछि, सूक्ष्म कोण माने 90 डिग्री रो छोट हबो, तो एटा आमे प्रमाण करिबा अंकन, तो सेठी आमे जहाँ अंकन करथिले एठी भी सेया अंकन, तो तमे चाहिले भी लेखि पारिबो अंकन कौन लिखिबा एडी व्यास, एडी व्यास ओ पीडी अंकन करा गला, पीडी अंकन करा गला। तो आमर सरला दत्त प्रामाण्य अंकन ए सब सरला, तो तापरे देखो प्रमाण, प्रमाण आरो बहुत सहज देखो बहुत छोटे भी। ताहले एठी आमर ए जो चित्र को देखो, चित्र रे ए जो ए पी क्यू ए पी बी क्यू देखो तुमको देखो को कलर रे देखेबे ऑरेंज कलर रे देखो, देखो ए जो ए पी बी क्यू ए गोटा जोटा मुझे देखो ऑरेंज रे, एटा गोटे कौन वृत्तांत लिखित चतुर्भुज, एटा गोटे चतुर्भुज चारटा बाहू अच्छी ए पी गोटे बाहू, पी बी गोटे बाहू, तापरे बी क्यू एटा गोटे बाहू, तापरे ए क्यू गोटे बाहू, एटा गोटे चतुर्भुज आ एटा वृत्त भितरे अछि, तले आमे सेटा ही लिखिबा, कोन लिखिबा, कोन लिखिबा कहो ए पी बी क्यू एक वृत्तांत लिखित चतुर्भुज, एक वृत्तांत लिखित चतुर्भुज। ठीक अच्छे, ताहले आम जाणीचे जो जोटा गोटे वृत्तांत लिखित चतुर्भुज हम तार विपरीत कोण तार समान हम, तो आम लिखिपर इम्प्लाइज दैट कौन लिखा आर विपरीत कोण कौटा, गोटे आमर ये एपी बी तुम देखिपार एपी बी आ गोटे ए क्यू बी, एपी बी गोटे ए क्यू बी गोटे, तो आम लिखिपर ए पी बी कोण सामान ए क्यू बी कोण सामान के 180 डिग्री हम। ठीक अच्छे, कहीं से गोटे वृत्तांत लिखित चतुर्भुजर विपरीत कोण, तेल आम जाणीचे ये जो ए पी बी कोणटा 90 डिग्री रु अधिक एटी आम प्रमाण करे, प्रमाण करे कि ना एठी, एठी आम प्रमाण करे ए पी बी कोण 90 डिग्री रु अधिक, तो आम लिखिपर इम्प्लाइज दैट ए पी बी कोण ग्रेटर दैन 90 डिग्री, ए पी बी कोण ग्रेटर दैन 90 डिग्री, इम्प्लाइज चिन्ह देवा दरकार नहीं, से लिख ए पी बी कोण ग्रेटर दैन 90 डिग्री, तो तापर लिखा जेहेतु ए पी बी 90 डिग्री, ए पी बी ग्रेटर दैन 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो कौन हम जेहेतु गोटे 90 डिग्री अधिक हो गला ए क्यू बी 90 डिग्री कम हम, हम कि ना ए क्यू बी कोण, ए क्यू बी कोण आमर 90 डिग्री रु कम हम, कहीं दुटा जाक मिसिक 180 हे गोटे 90 डिग्री रु अधिक है आ गए अब्वियसली कम हम, हम कि नहीं बुझीपार कि नहीं,
देखो मुझे तुमको बुझाऊँ मन कर आम ए पी बी कोण है 100 डिग्री है 90 डिग्री अधिक है एटी आम के 180 डिग्री हम 90 डिग्री कम अभीअसली 80 डिग्री ये 90 डिग्री कम बाहर कि ना तुम्हें जहाँ नहीं कि देख 100 नहीं कि देख 120 नहीं कि देख 130 नहीं कि देख 95 नहीं कि देख सब आम 90 डिग्री कम बाहर तो से आमर एटा लिखा है ए क्यू बिल लेस देन 90 डिग्री हम तो आम यहाँ ही देखा तो आम लिखिपर इम्प्लायज दैट ए क्यू बी कोण एक सूक्ष्म कोण जोटा आमको प्रमाण करने को देखा सूक्ष्म कोण ठीक अच्छे जोटा ये आमको देखा प्रमाण करने को सूक्ष्म कोण तो आम प्रमाण हो गला लिखिद प्रमाणित प्रमाणित बुझिपार समस्त डबल आई एटा बहुत सहज था ये किसी कष्ट नहीं देख 70 नंबर करवा आम 70 नंबर आई डबल आई दुटा अच्छे बोधे हाँ तो आई डबल आई करवा आई प्रथम करवा तो देख ये आमको कौन किसी तो देनी आम निजुक ही चित्र करा पड़ो त्रिभुज ए बी सी परिवृत्तर केन्द्र ओ ताल गोटे वृत्त करवा गोटे वृत्त मुझे कली त्रिभुज ए बी सी तापरे करिबा त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज कली ना दे दबा ए बी सी तापरे तार केन्द्र बिंदु ना ओ देली ओ केन्द्र बिंदु ओ त्रिभुज टीर एक अंत्यस्थ बिंदु हेले प्रमाण करे जे बी ए सी कोण बी ए सी कोण माने ए कोणटा आ ओ बी सी कोण ओ बी सी कोण आपको भी जोड़ी दबा ओ बी सी कोण समान 90 डिग्री तो यहाँ ही आमको प्रमाण करने को देच ताहले देख केमती करें दत्त लिखा तो लिखा कौन ना ओ त्रिभुज ए बी सी परिवृत्तर केन्द्र परिवृत्तर केन्द्र प्रामाण्य जहाँ लिखिद कौन दे बीएससी कोण मिशाण ओ बी सी कोण मोर 90 डिग्री बोली आमको प्रमाण करने को देपर ये अंकन करने को पड़ो ठीक अच्छे तो देख अंकन कौन करवा कौन कले कौटा अंकन कले आमको प्रमाण करने सुविधा हम कह आम ये कौन करवा ना ये गोटे उच्चता अंकन करवा त्रिभुजर मानने लंब अंकन करवा ओडी लंब बी सी आम अंकन कले तो सैटा मुझे लिखुची ओडी लंब बी सी अंकन करागला अंकन करागला ठीक अच्छे तापर देख प्रमाण आर भी प्रमाण छोट छोटे तो मन देखे देख टिके लेंदी हो पारे टिके बड़ हो पारे किंतु बेसी भी बड़ नुह तुम आज भी तुम बुझीगले आराम से करदब ताहले आम कौन कले ना ओडी ओडी बी सी आम ओडी लंब बी सी आम अंकन कले तो ये आम दुईट त्रिभुज नवा कौ दुईट त्रिभुज कह तो कौ दुईट त्रिभुज तुम भाव त्रिभुज ओबीडी आ त्रिभुज ओडी सी नवा जेहेतु अंकन करे नवा कि नहीं तो सैटा आम नवा देख त्रिभुज ओ बी डी एवं त्रिभुज ओ डी सी रे कौन देखु ए सब कौन कौन देखु ओडी टा साधारण बाहू ओडी दुईट जगह अच्छी तो आम लिखा ओडी समान साधारण बाहू ओडी समान साधारण बाहू ठीक अच्छे आ कौन देखु ओ बी समान ओ सी दुईट जाक व्यासार्ध ओ बी समान ओ सी कहीं समान ना व्यासार्ध लिखिद किसी कष्ट अच्छे ए सब तुम जानवा जिनस कौन देखु 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री दुईट जाक कोण कहीं लंब अंकन हो तो आम लिखिपर ओ डी बी कोण ओ डी बी कोण समान ओ डी सी कोण समान के 90 डिग्री ताहले एटी देख बाको बा दुईट बाहू गोटे कोण आम सामान हो गला तो आम बाको बा सर्वसम्मता अनुजाई कौन है त्रिभुज दुईट सर्वसम्म आम करदे तो आम लिखिपर इम्प्लायज दैट त्रिभुज ओ बी डी सर्वसम्म त्रिभुज ओ डी सी क्यों सर्वसम्मता अनुजाई ना बाको बाको बा सर्वसम्मता सर्वसम्मता अनुजाई तुम लिखिपर
तो आमर कौन है त्रिभुज दुईट जेहेतु सर्वसमान हो गला तार सब कोण सामान हम तो आम ये कहीपर आमर एक कोण सांगे रे ये जो ओ बी डी कोण सांगे रे आमर ओ सी बी ओ सी डी कोण सामान हम एक कोण सांगे रे आमर एक कोण सामान बोली आम कहीपर तो ये लिख इम्प्लाइज दैट ओ बी डी कोण सामान ओ सी डी कोण ठीक अच्छे जोटा आमर सामान बोली आम कहीपर कहीं त्रिभुज आम सर्वसमान जेहतु हो गला तो आम से कहीपर देख त्रिभुज ओ बी सी रे त्रिभुज ओ बी सी रे त्रिभुज ओ बी सी तीन कोण परिमाण मिसिकी 180 डिग्री तो सही मुझे लिखुची देख बी ओ सी कोण बी ओ सी कोण ओ बी सी कोण ओ सी बी कोण सामान 180 डिग्री तेल एटी देख आमर जो ओ बी डी सामान ओ सी डी है तो आम ओ बी डी न कहीकि ओ बी सी कहीपर एक कथा कि ना आम ये अधारे अधारे कहचे ओ बी डी टा ये अधा जाए कहचे ये अधा जाए कह आम ओ बी सी कह भी से कि ना तो आम ये लिखिपर इम्प्लाइज दैट आ पूर्व स्टेप आगे तुमको बुझाप लिखुचे देख ओ बी डी जगह आम ओ बी सी लिखिपर तापर ओ सी डी जगह आम ओ सी बी भी लिखिपर कहीं ओ सी डी आम ये अधा जाए आई आई अधा जाए आई टोटालटा कहीं कहीपर ये टोटालटा कहीपर ओ सी डी जहाँ ओ सी बी से एक कथा तो ओ सी बी ठीक अच्छे ताहले एबे तापर देख इम्प्लाइज दैट बी ओ सी को बी ओ सी सेमती रख बी ओ सी कोण मिशाण ये देख ओ बी सी ओ सी बी सांगे सामान है यहाँ देख तुमको ये स्टेप लिखार कारण हूँ या ओ बी सी टा आम ओ सी बी सांगे सामान है आम ये ओ बी सी आ ओ सी बी को दि थर न लिखिक ओ बी सी जगह ओ सी बी लिखिपर ओ सी बी जगह ओ बी सी लिखिपर लिखिपर कि ना तो आम मुझे कौन कल ना ओ बी सी को ओ बी सी रखिली आ ओ सी बी जगह भी ओ बी सी लिखिदेली बुझिपार कहीं दुटा जगह तो सामान जहाँ लिखने चलो तापर स्टेप देख स्टेप मुझे कर स्टेप देख इम्प्लाइज दैट कौन हम बी ओ सी को रहा बी ओ सी कौन ओबीसी ओबीसी दि थर लिखाई तो ओबीसी मिशाण ओबीसी आम कौन हो टू मेजरमेंट अफ ओबीसी पूर्व सब मेजरमेंट चिन्ह भी दब मु गोटे गोटे जा छाड़ी देची तो मेजरमेंट ये सब लिख कोण पूर्व मेजरमेंट बी ओ सी मेजरमेंट ओबीसी ठीक अच्छे लिखिले भल एमती नाई कि न लिखिले तुम भूल कि तुम लिखिदब सबुटी एगुडा सब मेजरमेंट चिन्ह मेजरमेंट ओडिस लिखिद कोण चिन्ह तो दिया दिहे तथा तुम लिखिदब तेल बी ओ सी मेजरमेंट अफ बी ओ सी प्लस टू मेजरमेंट अफ ओ बी सी आम होगा ये के 180 डिग्री आम ठीक अच्छे तेल एख ते जो बी ओ सी टा मत कह बी ओ सी टा आमर बी ए सी कोण दुई गुण कि ना ये आम पढ़ीचे तुम जान देख ये मन कर गोटे यहाँ हूँ तुम गोटे वृत्त आउ थे तुमको ये बुझ देख यहाँ तुम हूँ गोटे वृत्त ओ ताले आमर एक कोणटा एक कोण दुई गुण एक कोण हुए कि ना आमर एक कोण अधा एक कोण अधा एक कोण अधा क्यों कोण हम एक कोण हम एक कोण अधा आमर एक कोण हम तापर जदि यहाँ आमर 60 डिग्री हुए ये आम 30 डिग्री हम यहाँ आमर के 70 डिग्री हेले यहाँ आमर 35 डिग्री हम कहीं एक कोण अधा सब बड़े एक कोण हुए ये आम आगु पढ़ीचे जोटा कि तुम्हें भी जाच तो सहीटा ही आम आप्लाय करवा देख तो ये जो बी ओ सी मुझे लिखी बी ओ सी टा बी ओ सी रधा किए जो आंगेल बी एस सी ये कोणटा तेल ये जो बी ओ सी जगह आम लिखिपर जेहेतु अधा मानने बी एस सी बी एस सी दि थर मिसले आम बी ओ सी हम तो आम लिखिपर टू मेजरमेंट अफ बी एस सी लिखिपर कि ना टू मेजरमेंट अफ बी एस सी टू मेजर मेजरमेंट अफ बी एस सी प्लस टू मेजरमेंट अफ ओ बी सी सामान 180 डिग्री तेल ये आम दुई कमन नहीं जावा द मेजरमेंट अफ बी एस सी कोण प्लस मेजरमेंट अफ ओ बी सी कोण सामान 180 डिग्री तो इम्प्लाइज दैट एबे कौन कर
मेजरमेंट ऑफ बीएसी कौन प्लस मेजरमेंट ऑफ ओबीसी कौन दुई आणिक एपटे हरिदेबा 180 संगे तो दुई हरिदेले जोटा कि आमर है 90 डिग्री तो देख बी इम्प्लाइज दैट आउ थ्री भी लिखी दि मेजरमेंट ऑफ बीएसी कौन प्लस मेजरमेंट ऑफ ओबीसी कौन समान 90 डिग्री बाहर तो आमर एटा ही प्रमाण करिया को देथिला तो हे गला प्रमाण तो लिखिदबा प्रमाणित तो बुझिपारल कि नहीं एटा बहुत सहज थिला किछ नै केवल दुईटी त्रिभुज को प्रथम सर्वसम करदे जेहेतु आम त्रिभुज ओबीसी तार तीन टा जाक कोण नहीं गल से अप्लाई कले आमर हो गला प्रमाण बुझिपार कि नहीं आम 17 नंबर आई सरला तो 17 नंबर डबल आई करवा तो देख डबल आई भी प्रथम आमको गोटे ये कौन वृत्त करिया को पड़ो तो बहुत बड़ा वृत्तटे कर देख त्रिभुज एबीसी परिवृत्तर केन्द्र ओ त्रिभुज टी एक बहिस्त बिंदु तेल वृत्त तो करदेली पूरा बड़ वृत्तटे करमें प्राय भलसे बुझीज ता भितर गोटे त्रिभुज एबीसी करवा तो आम त्रिभुज भी बहुत बड़ हम त्रिभुज एबीसी ए बी आउ तार केन्द्र बिंदु हमें कौन दबा ओ दबा परिवृत्तर केन्द्र ओ त्रिभुज टी एक बहिस्त बिंदु ये देखी अरे आमर तो चित्र भूल हो गला देख मुझे टोटल क्वेश्चन लास्ट जाए पढ़िली करदेली तुम्हें भी एमती भूल करी तेल ये आम कौन दे बुझिपारे कि नहीं आम चित्र भूल होटा कौन भूल कहीं आमर परिवृत्तर केन्द्र ओ त्रिभुज टी एक बहिस्त बिंदु देखिए आमर तो ओ त्रिभुज भितर हो गला त्रिभुजर अंतस्थ बिंदु हो गला आमर तो भूल होमें ये कौन करवा ना देख प्रथम मु वृत्तर केन्द्र बिंदु करदे जहाँफल आम त्रिभुजर बाहर ताकू रखा से ओ को आम त्रिभुज बाहर रखा ताहले आर केन्द्र बिंदु एटा केन्द्र बिंदु मुठ कली ओ ताहले एठी आम एमती गोटे त्रिभुज करवा जोटा कि आमर कौन ओटा तार बहिस्त बिंदु होने त्रिभुजटा आम ये करदे मानने आमर जो केन्द्र बिंदुटा बहिस्त बिंदु हो तो त्रिभुज ए बी सी एवं आमर जा चित्र ठीक है बुझिपारल कहीं से भूल होता फास्ट चित्रटा कहीं बहिस्त बिंदु देखिए तुम्हें भी एमती भूल कर क्वेश्चन सब बड़े पूरा भलसे पढ़व बहिस्त बिंदु देखिए अंतस्थ बिंदु देता बोली भितर था केन्द्र बिंदु त्रिभुज भितर ये आम बाहर अच्छे तापर देख आ कौन दे ओ एवं ए बीसी विपरीत पार्श्वस्थ हे तेल आमर तो हो जाए अलरेडी बीसी गोटे पार्श्वे ओ अच्छे गोटे आ गोटे पार्श्वे ओ अच्छे ठीक अच्छे तेल चित्र सरला आपको भी जोड़ी दबा ये बी ओ तो ये देख दत्त लिखा दत्त कौन लिखा दत्त लिखा ओ त्रिभुज एबीसी परिवृत्तर केन्द्र परिवृत्तर केन्द्र तापरे अब कौन लिखा ओ एवं ए बीसी तो विपरीत पार्श्वे अच्छा से लिखा दरकार नहीं हमें डायरेक्ट प्रामाण्य लिखिद प्रामाण्य कौन दे मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए सी कोण मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ बी सी कोण समान 90 डिग्री यहाँ आमको प्रमाण करने को पड़ो तो अंकन करवा ये आम कौन अंकन करवा तो ये गोटे मुझे बिंदु डी नौ यू आम जोड़ा बी आउ सी डी को जोड़ा आम गार ही बंका है गला तो बी डी आउ सी डी मत हाथ में करने को पड़े से बंका हो भाई तुम्हें बुझीपार कि तुम्हें स्केल कर एमती जमा मो भाया बंका टाँग कर सब स्केल ही गार टाणी मुझे केमी स्केल करी मुझ तो स्केल कर हाथ में कराफल बंका हो तो देख अंकन आम करवा ओ सी डी अंकन करागला तो ये देख प्रमाण
कौन लिखा कह आमर बी एस सी कोणटा ए कोणटा देखि परथिव जो ए कोणटा बी एस सी कोण तो बी एस सी कोण आम लिखिपर के जो ए बी डी सी हूँ आम गोटे कौन वृत्तांत लिखित चतुर्भुज चतुर्भुज कि नहीं तो जेहेतु वृत्तांत लिखित चतुर्भुज ए कोण आई कोण विपरीत कोण मिसिकी 180 डिग्री तो आम लिखिपर बी एस सी कोण सामान 180 डिग्री माइनस बी डी सी कोण लिखिपर कि नहीं बी एस सी कोण माइनस बी डी सी कौन कहीं दुटा जाक मिसिकी 180 डिग्री लिखे मेजरमेंट अफ एट लिखा मेजरमेंट अफ ठीक अच्छे तेल देख इम्प्लाइज दैट मेजरमेंट अफ बी एस सी कोण सामान 180 डिग्री ए जो बी डी सी कोणटा ए मत कह जो बी डी सी कोणटा आमर बी ओ सी कोण कौन अधा हम कि नहीं बी डी सी कोणटा आमर बी ओ सी कोण अधा हम तो आम ये लिखिपर ये बीडीसी कोण जगार तो बीडी ये जोटा कि ये भी आम कले आमर बी ओ सी कोणटा कौन होता ये जो बी एस सी कोण डबल होता ये भी से आमर बी ओ सी कोणटा एडीसी कोण डबल हम तो ये जेहतु बीडीसी आम ये लिखाही तो आम आर अधा हूँ बीडीसी कोण तो आम ये लिखिपर हाफ हाफ मेजरमेंट अफ यहाँ हाफ मेजरमेंट अफ बी ओ सी बुझिपार तेल आमर बी एस सी के 180 डिग्री माइनस हाफ मेजरमेंट अफ बी ओ सी आमर बाहर तो देख ये रखा बी एस सी को बी एस सी रख मेजरमेंट अफ बी एस सी कोण सामान 180 डिग्री माइनस हाफ एटी देख ए जो हाफ को हाफ तो आम रहा ए जो बी ओ सी कोणटा ए बी ओ सी कोणटा आम कहीपर आमर ओ बी सी कोण यही कोणटा यही कोण आई कोण तीन टा जाक मिसिकी 180 डिग्री कि नाई तेल आम बी एस सी बी ओ सी कोण कौन कौन कहीपर ना 180 डिग्री हेड़ाण मेजरमेंट अफ ओ बी सी कोण प्लस कौन ओ सी बी कौन ये स्टेपटा बुझिपार कि नहीं देख आम ये बी ओ सी कोण जगार ये जो बी ओ सी कोण जगार त्रिभुजर तीन कोणर परिमाण मिसिकी 180 डिग्री आमर ए गोटे कोण आमर जदि आम गोटे कोण बाहर करवा केमी बाहर करवा 180 डिग्री रु यही कोणटा आई कोणटा 180 डिग्री रु दुईट कोण मिसेकि फेड़दे आमर ये कोणटा बाहर कि नहीं तो सहीटा ही मुझे लिखिली 180 डिग्री रु आमर ये ओ बी सी कोण देख मु कलर चेंज कर देखा आमर ये ओ बी सी कोण आउ ओ सी डी कोण मिसेकि 180 डिग्री रु फेड़दे आमर ए बी ओ सी कोण बाहर ये जो बी ओ सी कोणटा बाहर बुझिपार तो सेटा ही मुझे लिखी आउ कि लिखाई तो देख इम्प्लाइज दैट मेजरमेंट अफ बी एस सी कोण सामान 180 डिग्री माइनस हाफ 180 डिग्री माइनस हाफ को हाफ सेमती रख 180 डिग्री माइनस ये देख ये जो ओ बी सी आउ ओ सी बी ए कोण दुईटी आम सामान हम समान हम कि नहीं कहीं एम होती दुईट जाक वृत्तर व्यासार्ध तेल जेहेतु दुईट बाहू आमर सामान है तार विपरीत कोण भी सामान हम कि नहीं आम ये लिखिपर 180 डिग्री माइनस ओ बी सी ओ सी बी को दि थर लिखिद मेजरमेंट अफ ओ सी दि थर कहीं लिखिले कहीं दुईट जाक कोण सामान ये भी लिखुची मुझे देख जेहेतु ओ बी समान ओ सी हेतु आमर ओ बी सी कोण ओ सी बी कोण बुझिपारे जेहेतु बाहू सामान तार विपरीत कोण सामान है तो से मुझे दि थर लिखिली तो इम्प्लाइज दैट मेजरमेंट अफ बी ए सी कोण सामान 180 डिग्री माइनस हाफ 180 डिग्री माइनस ये जो ओसीबी ओसीबी आम दि थर लिखीचे तो आम लिखिपर टू मेजरमेंट अफ ओसीबी बुझिपारे एबे देख आ पर स्टेपटा मुझे करदे इटा को लिभ दौर स्टेप देख मुझे करुच्छे
एम्प्लाय स्क्वायर बी ए सी कोण, मेजरमेंट ऑफ बी ए सी कोण समान 180 को 180 सेमती रख, जो एठी हमर 180 अछि एटा को एमती रखिबा 180 डिग्री माइनस ए जो हाफ अछि, हाफ को हमें भितर को नै जिबा तो कोण हबो 180 डिग्री बाय 2। ए जो हाफ टा हमर बंधनी बाहर थिला सेडा को हमें भितर को नै गेले तो 180 डिग्री बाय 2 माइनस 2 मेजरमेंट ऑफ ओसीबी बाय 2। तो एबे कोण हबो implies that measurement of BAC कोण समान 180 डिग्री माइनस 180, दुई कटले केते हबो 90 हबो कि नै, ए गोटा को ए जो दुईटा 180 रे कटले 90 हे गला, तापर एठी भी दुई को दुई कटि गला तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस मेजरमेंट ऑफ OCB बुझि पारलो। तो implies that मेजरमेंट ऑफ बी ए सी कोण समान 180 डिग्री, बंधनी फिटे दबा तो बंधनी फिटे देले कोण हबो 90 पूर्व प्लस अछि माइनस हे जइबो, आ ओ सी बी पूर्व माइनस अछि प्लस हे जइबो, काहेकि ना बंधनी फिटेले हमर साइन उल्टी जाए। तो मेजरमेंट ऑफ ओ सी बी तो इम्प्लाइज दैट मेजरमेंट ऑफ बी ए सी कोण समान 180 रु 90 फेड़ी दियो, जोड़ा कि 90 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ ओसीबी कोण, ठीक अच्छे। तेल एबे देख इम्प्लाइज दैट मेजरमेंट ऑफ बी ए सी कोण ओसीबी टा एपड़ को नहीं आस माइनस हो, तो मेजरमेंट ऑफ ओसीबी कोण समान 90 डिग्री, तो जोटा कि आमको प्रमाण करने को दे, ठीक अच्छे। तो प्रमाण हो गला, लिखिद प्रमाणित तो बुझिपार समस्ते जहाँ भी कोई स्टेप डाउट रहा मतलब कमेंट सेक्शन में पचार आउ थे भी भिडियोटा को देख, जदि कौटा बुझी न पार्ला आउ थे बारंबार रिपीट करके देख तुम्हें बुझीपारे भी जब डाउट रहा मतलब पचार कमेंट सेक्शन में, ठीक अच्छे। तो तुम सरला यहाँ 7 नंबर आई सारी डबल आई सरला, तुम भाव बुझीपार तो आज क्लास टू को आम ये रखा आ नेक्स्ट क्लास रे तमरो आ नेक्स्ट नंबर कौन 8 नंबर, तो 8 नंबर टू करवा। तो आज क्लास जब भल लगे क्लास टू को लाइक करदेव, ता सहित तुम फ्रेंड्स मान को शेयर करिबो, जदि चैनल रे नुआ अच तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके पाखे बेल बटन को प्रेस करदेव, जदि तुमको क्लास भल लगे तो आम चाहिए स्कैनर को स्कैन करके किसी सपोर्ट भी कर, तो क्लास टू को आम ये रखा आ नेक्स्ट क्लास तुम 8 नंबर टू करवा।